अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, मगर उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए व्यूअर्स, आज की हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक कढ़ाई ले ली है खुले मुंह वाली, आप कोई भी पतीली इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ मैं ये 1.5 किलो दूध इसके अंदर डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने सारा दूध जो है इसके अंदर शामिल कर दिया है। आपको मैं टिप बता दूं, जितने भी प्रोफेशनल कुक्स हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले दूध को बॉईल करते हैं। जब दूध को बॉईल आ जाएगा तो हम इसके अंदर गाजर शामिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम दूध को बॉईल करेंगे। व्यूअर्स, मैंने चूल्हा चलाकर इसको दूध को कड़ने के लिए चूल्हे पर रख दिया। जैसे ही दूध में बॉईल आएगा हम गाजर को इसके अंदर डालकर पकाना स्टार्ट करेंगे। तो बॉईल आने तक हम वेट करेंगे। दूध को बॉईल आ चुका है, अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर गाजरों को डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी के सारी हम गाजर इसके अंदर डाल देंगे। अब मैं अच्छे से डालकर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये मैं बिल्कुल आपको प्रोफेशनल तरीका जो है वो सिखा रही हूं, ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है। अब इस टाइम तक जो आंच है वो हमने दरमियानी रखी हुई है, बिल्कुल हल्की से थोड़ी सी तेज दरमियानी आंच पर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। करीबन 4 से 5 मिनट के वक्फे के साथ हम चम्मच चलाते जाएंगे और फिर हम इसको चेक करेंगे। अभी मैं इसको कवर करके रख दूंगी। तकरीब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें चम्मच चला लेते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह ये पकने भी लग गया और अच्छे से आप इसका कलर देख रहे हैं। आपने इसको बहुत ज्यादा चम्मच नहीं चलाना और ना ही देर देर से चलाना, बस एक हिसाब से आपने इसमें चम्मच जो है वो चलाना है। अब क्या करेंगे हम, साथ ही इस पॉइंट पर आकर चीनी को जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मैंने चीनी को ऐड कर लिया, अब हम इसको अच्छे से जो है मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया, अब मैं दोबारा इसको ढककर रख दूंगी, लेकिन अब हम 1-1.5 मिनट के वक्फे के बाद जो है हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और इसको हलाते रहेंगे, क्योंकि हमने चीनी डाल दी और इस बात का हमने ख्याल रखना है कि ये नीचे से जले ना। तो अब मैं इसको करूंगी कवर और छोड़ दूंगी इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए चम्मच चलाते हुए दरमियान दरमियान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ऑलमोस्ट ये पकने के करीब है। ये देखिए व्यूअर्स, ये ऑलमोस्ट हमारा जो है वो हाफ जो है पक चुका है। अब मैं इसको क्या करूंगी, इस तरह ढक्कन उतार कर इसको पकाऊंगी, और आंच को मैंने जो है हल्का सा तेज कर दिया है ताकि जो पानी है इसका वो अच्छे से ड्राई हो जाए। इस पॉइंट पर आकर हमने आंच इसलिए तेज की है ताकि ये ओवर कुक ना हो और जो इसकी एक लेवल है वो मेंटेन रहे। ये देखिए व्यूअर्स, इसका पानी जो है वो खुश्क हो रहा है और साथ साथ हम इसके चम्मच चलाते जा रहे हैं। अब इसी तरह मैं पानी खुश्क करके आपको दिखाऊंगी, जब गाजर का दूध और जो इसका पानी है जूस है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे। अब ये देखें, ये देखें व्यूअर्स, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पानी जो है वो खुश्क हो गया। अब हमने इसको मजीद 4 से 5 मिनट पकाना है ताकि और अच्छे से जो इसका पानी है वो खुश्क हो जाए।
जितना अच्छा इसका पानी खुश्क होगा उतना ही टेस्टी जो है हमारा हलवा तैयार होगा। ये आपने निशानी याद रखनी है। अब आपने इसकी कसाई करते जाना है, मतलब ऐसे बार बार चम्मच चलाते जाना है। पहले भी हमने आपको दिखाया था, मैं आपको फिर दिखा रही हूँ, जो इसका नीचे वाला हिस्सा है वो बिल्कुल खुश्क है, मतलब यहां तक जो हमारा हलवा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसके, जब मैं इसके अंदर घी डाल रही हूं, हमने तकरीबन 100 ग्राम इसके अंदर घी डालना है। ये देखें व्यूअर्स, मैंने अब इसके अंदर घी डाल दिया है 125 ग्राम के करीब जो है वो हमने घी डाला है। अब ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है हमारा हलवा। यहाँ पर आप साबुत इलायची भी डाल सकते हैं जो छोटी वाली है, और इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, इसने जो अब घी छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसका थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो ठंडा करेंगे। तकरीबन जब ये आधा ठंडा हो जाएगा तो हम लास्ट पर इसमें खोया ऐड करेंगे। अब मैंने कर दिया है फ्लेम को ऑफ, और यहाँ पे हमारा जो हलवा है वो पककर तैयार हो चुका है। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये आधा ठंडा हो जाएगा, तो तब हम इसके अंदर खोया ऐड करेंगे। हमारा जो हलवा है वो ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। अब ठंडा होने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो खोया है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैं खोया बचा लूंगी गार्निश के लिए, और बाकी जो सारा खोया है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमें हलवे में जरा जो खोया है वो ज्यादा पसंद है, इसलिए हम क्वांटिटी ज्यादा डाल रहे हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने खोया जो है वो बचा लिया गार्निश के लिए। अब ये हम चारे मगज डाल लेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे थोड़ा सा गार्निश के लिए। ये कोकोनट पाउडर हम डालेंगे, हम इसको जरा चॉप कर लेते होते हैं कोकोनट को, क्योंकि फिर ऐसे मुंह में आती है तो सब लोगों को वो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए हम हमेशा चॉप करके इसके अंदर डालते हैं जितने भी नट्स होते हैं। और अब है बादाम की बारी, थोड़े से मैं बादाम डालूंगी और थोड़े से मैं गार्निश के लिए बचा लूं। अब हम करते हैं इस सारे मिक्सचर को मिक्स अच्छे से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मिक्स करने से पहले आप देख लें कि इसका कलर बिल्कुल रेड है, आपने भी सेम इसी तरह रखना है, और आपका हलवा देखिएगा कितना यमी और टेस्टी जो है वो बनकर तैयार होगा। इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं। ये देख चुका है, अब मैं इसको करूंगी डिश आउट, और अब मैं इसको निकाल रही हूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखे इसका कलर वगैरह आपको नजर आ रहा होगा कि ये बहुत ही खूबसूरत और टेस्टी जो हमारा हलवा है गाजर का वो तैयार हुआ है। अच्छा, अब मैं बिल्कुल बाजार की तरह ना इसको प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि बाजार वाले भी क्या करते हैं इसको प्रेस कर देते हैं ऊपर से। तो मैं एक सर्कल की शेप देकर फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया और बिल्कुल बाजार की तरह इसको हल्के हाथ से प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद अब हम इसको करेंगे गार्निश। तो गार्निश के बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको पसंद हो आप वो कर लीजिएगा। मैंने पहले खोया लगाया और अब मैं थोड़े से इसके ऊपर बादाम। मैंने खोए और बादाम क्रश किए हुए के साथ इसको डेकोरेट किया है। आप उबले हुए अंडे भी काटकर साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ तक जो हमारी वीडियो, वो हमारी आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी रेसिपी समझ आ गई होगी। इसको अपने घर पे ट्राई करना है और हमें कमेंट्स में जरूर बताना है कि आपको ये कैसी लगी। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, मगर जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोज को सबसे पहले देख सके। और जितनी भी मेरी वीडियोज डेली बेसिस पर अपलोड होती है, प्लीज 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 अपने फ्रेंड सर्कल में लाजमी शेयर करें, जिससे हमें मजीद आपकी लव और सपोर्ट मिलेगी। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।